नमस्कार, आप देख रहे हैं जन सेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट। मैं हूं आपके साथ दीपशिका। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। राहुल गांधी जल्द हो सकते हैं नए घर में शिफ्ट। कांग्रेस के दिग्गज नेता के प्लॉट में बनेंगे किराएदार। सांसद सदस्य जाने के बाद राहुल गांधी ने अप्रैल में 12 तुगलक लेने वाले सरकारी बंगले खाली कर दिया है। अब उनके लिए नया घर देखा गया है। बस्तर में SGRF ने किया मॉक ड्रिल, कहा आपदा के समय लोगों को जल्द मिलेगी राहत। बस्तर संभाग में भारी बारिश के अलर्ट के बाद SGRF की टीम ने पूरी तरह से मुस्तैद है। इस साल संसाधनों की बढ़ोतरी करने के साथ ही पहले से भी संभाग के 7 जिलों में SGRF की टीम को तैनात कर दिया गया है। आदिवासियों की जमीन हड़पने के मामले में 17 पर केस दर्ज, 6 पटवारी आरोपी बनाए गए। हरदा जिले के नामांतरण पंजी में पटवारी और तहसीलदार के जाली हस्ताक्षर कर कुटकचित दस्तावेज तैयार कर आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों के नाम से अंतरित कर दी गई है। तीसरे दिन भी बीजेपी के निशाने पर रहे तेजस्वी, 45 मिनट की चला संसद। आपको बता दें, लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। तेजस्वी को भी आरोपी बनाया गया है। आज ही दिल्ली के राउज वेन्यू में कोर्ट में सुनवाई हुई है। राजस्थान रेलवे का बड़ा अपडेट, भारी बारिश से कई ट्रेनें हुई रद्द, कई के बदले गए रास्ते। उत्तर रेलवे द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल पर भलाई नगर दुर्ग स्टेशनों के मध्य संपार फाटक संख्या 442 पर आयुबी निर्माण कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लॉक किया गया है। बिहार में सास ने दामाद को जिंदा जलाया, गंभीर हालत में PMCH रेफर। बेटी के प्रेम विवाह पर थी नाराज, शख्स करीब 35% जल गया है। आपको बता दें, PMCH में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के पास शिकायत नहीं पहुंची है, इसलिए पुलिस भी कुछ बोलने से बच रही है। 18 जुलाई को ताकत दिखाएगा NDA, हाईकमान ने गठबंधन पर लगी मोहर। लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में नए गठबंधन की तैयारी पूरी कर ली है। सूत्रों की माने तो 18 जुलाई को दिल्ली में इस गठबंधन पर मोहर लग जाएगी। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा पर रोक, सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोके गए श्रद्धालु। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए केदारनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। जिला प्रशासन ने यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में ही रोक दिया है। बिहार के 12 जिलों में भारी बारिश के संकेत, कई इलाकों में बिजली गिरने की संभावना, अलर्ट जारी। अररिया जिले के जोकाहाट में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। दिल्ली के गीता कॉलोनी में कई टुकड़ों में मिला एक लड़की का शव, मचा हड़कंप, अभी तक नहीं पहुंची पहचान। दिल्ली पुलिस ने गीता कॉलोनी फ्लाईओवर इलाके से कई टुकड़ों में कटा हुआ एक लड़की का शव बरामद किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली में निगमबोध घाट का एक हिस्सा जलमग्न, दाह संस्कार पर रोक। दिल्ली निगमबोध घाट संचालन समिति के सदस्य सुमन गुप्ता ने कहा कि शमशान घाट का पिछला हिस्सा जलमग्न हो गया है, इसलिए यहां दाह संस्कार संबंधी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। बारिश के बाद यमुना के जल स्तर में बड़ी परेशानी, 35 किसानों को किया गया रेस्क्यू। हरियाणा में अधिक पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जल स्तर अचानक से काफी बढ़ गया, इससे खेतों में काम कर रहे किसान और मवेशी यमुना खादर इलाके में फंस गए। 10 सालों में रिकॉर्ड स्तर पर यमुना का पानी, मंत्रियों ने की राहत कार्यों की समीक्षा, प्रभावित लोगों को दी मदद का भरोसा। अब सरकार द्वारा यमुना के निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए लोगों को जरूरी सुविधा मुहैया कराने का काम जारी है। मायापुर फेज एक में एक ऑटोमोबाइल शोरूम सर्विस सेंटर में लगी आग, दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर मौजूद। पश्चिम दिल्ली के मायापुरी फेज एक स्थित एक ऑटोमोबाइल शोरूम सर्विस सेंटर में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों द्वारा आग बुझाने का काम जारी है। मध्य प्रदेश को मिल सकती है एक और वंदे भारत की सौगात, जयपुर इंदौर पर चलने की संभावना। ये वंदे भारत एक्सप्रेस जयपुर से निकलकर अजमेर, चित्तौड़गढ़, रतलाम और उज्जैन जैसे इंदौर तक पहुंचेगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज अनूपगढ़ बजट सत्र को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। एमपी असेंबली सेशन के मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार से हुई है। सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। पहले दिन विपक्ष ने आदिवासी उत्पीड़न और सतपुड़ा अग्निकांड के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा किया। नासिक सप्तश्रेणी घट घाट में गहरी खाई में गिरी बस, एक की मौत, 22 यात्री हुए घायल, मुआवजे का ऐलान। सप्तश्रेणी घट घाट में एक बस गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 22 लोग घायल हुए हैं। मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। हरियाणा पंजाब में सड़कों से कम होने लगा पानी, खोले गए हाईवे, 24 घंटे से अधिक समय से बंद हाईवे अब खुलने लगे हैं। सड़कों से बारिश का पानी कम होने के बाद इन्हें खोला जा रहा है। लगातार 70 घंटे बारिश के बाद मंगलवार को दिन राहत भरा रहा। हरियाणा में पीएम मोदी का दौरा, जल्द प्रदेश को मिल सकती हैं कई तोहफे। पीएम मोदी जल्द हरियाणा की बड़ी सौगातें लेकर आने वाले हैं। आपको बता दें, मंगलवार को सीएम खट्टर ने उनसे मुलाकात कर उन्हें हरियाणा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने का निमंत्रण दिया है। छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश की चेतावनी, वज्रपात के साथ चलेगी तेज हवाएं। छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक की सामान्य से कम बारिश हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने अब संभावना जताई है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होगी। इस वक्त की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।